खेती के काम में लगे स्थायी श्रमिकों को प्रति सप्ताह एक दिन सावकाश भुगतान किया जाना जरूरी है। देखिए, यदि कोई किसान स्थायी मजदूर रखता है तो सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे कर्मचारी की कुछ अधिनियमों के तहत मजदूरी की न्यूनतम दरें तय की गई हैं। इसी के अनुसार उसे हर सप्ताह एक दिन के आराम की अनुमति की भी बात कही गई है। नियोक्ता के साथ हुए समझौते के अनुसार ये सप्ताह का कोई भी दिन हो सकता है। इस नियम के प्रावधानों के अनुसार कोई भी कर्मचारी आराम के दिन काम करता है और उसे विश्राम दिवस के 5 दिन पहले या बाद में किसी भी दिन विश्राम का दिन दिया जाएगा। यदि वो आराम के दिन काम करता है तो उसे उस दिन के लिए मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।